हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल लार्न स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम ब्लाउज का डिजाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए, हमने मोड़े को काट लिया है। शोल्डर हमारी 5 इंच है, लंबाई हमारी 14 इंच है, चौड़ाई हमारी 10.5 इंच है। 6 इंच पर हमने मोड़े का निशान लगाकर काटा है और ऊपर से हम 2.5 इंच गले के लिए लेंगे। ये हम मटका गला शेप बनाने जा रहे हैं, तो 2.5 इंच हम गले के लिए लेंगे और 10 इंच हम गले की डीपनेस रखेंगे। तो पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम पहले बॉक्स बना लेंगे और मटका गला का शेप देंगे। यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम मटके गले का शेप देंगे। तो देखिए, हमने मटके गले का शेप दे दिया है और अब हम इसे काट लेंगे। तो देखिए, हमने इसे काट लिया है। हमारा गला कुछ इस तरह से दिख रहा है और इसे पर देखिए, हम थोड़ा सा इस तरह से कुछ निशान लगाएंगे और इसे काट लेंगे। इस पैटर्न को हम पेस्टी पेपर पर काटेंगे। यहाँ पर हमने डबल फोल्ड पेस्टी पेपर किया है और इसे निशान लगा लिया है। आगे से सेम निशान और पीछे से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए निशान लगाए हैं और इसे देखिए, हमारा कुछ इस तरह से पैटर्न कट कर तैयार हो गया है। और अब हम पहले ब्लाउज के कपड़े को अच्छी तरह से हम फैला लेंगे। पहले साड़ी वाला पीस को हम अच्छी से फैला लेंगे और उसके ऊपर हम अस्तर के कपड़े को फैलाएंगे। इस तरह से देखिए, हम अस्तर के कपड़े को फैला लेंगे और यहाँ पर पिन अटैच कर लेंगे। इस तरह से देखिए, हम जगह जगह पर पिन अटैच कर लिए हैं और ऊपर से हम गले की सिलाई लगाते आएंगे। इस तरह से देखिए, हम गले की सिलाई लगाते आएंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से गले की सिलाई लगा लिया है और अब हम बीच के कपड़े को काट कर निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए, हम बीच के कपड़े को काट कर निकाल लेंगे और हल्का हल्का कट हम पूरे गले पर लगा लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से पहले पलट लेंगे। अच्छी तरह से पलटते हुए हम कोने को सुई या पिन से निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए, हम दोनों कोने को सुई या पिन से निकाल लिए हैं और ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने पूरे गले की सिलाई लगा लिया है और अस्तर और ब्लाउज के कपड़े को अच्छी तरह से मिलाते हुए हम चारों तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देखिए, मिलाते हुए हम चारों तरफ सिलाई लगा रहे हैं। और अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर अलग कर लेंगे और देखिए, हमारा कुछ इस तरह से बन गया है। यहाँ पर हमने जो पैटर्न काटा था उसे हम इस तरह से पहले चिपका लेंगे। देखिए, हमने चिपका लिया है और इसे हम काट भी लिए हैं। इसे देखिए, हम गोल्डन कलर के कपड़े पर रखते हुए आगे तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। आगे तरफ से हम इस तरह से देखिए सिलाई लगा लिए हैं और इसे हम काट कर अलग कर लेंगे और इसे देखिए, इस तरह से हम पलट लेंगे। इस तरह से देखिए, हम पलटते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसके चारों तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने दोनों पीस को इस तरह से बना लिया है और यहाँ पर देखिए, हम आगे साइड में लैस लगा देंगे। इस तरह से देखिए, हमने लैस लगा लेनी है। इसी तरह से देखिए, हमने दोनों पीस पर लगा लिया है लैस को और यहाँ पर हम ब्लाउज का पहले बीच सेंटर करेंगे। इस तरह से देखिए, हम पहले ब्लाउज का बीच सेंटर करते हुए बीच में हम निशान लगा लेंगे और इस निशान के ऊपर इस तरह से देखिए रखते हुए हमें इसे अटैच करनी है। तो हम हर जगह पिन अटैच कर लेते हैं। इसी तरह से देखिए, हम दोनों तरफ पिन अटैच कर लिए हैं और अब हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से देखिए, हम सिलाई लगाते आएंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लिया है और अब हम यहाँ पर दो टुकड़े लिए हैं चौकोर, इसे हम त्रिभुज बना लेंगे इस तरह से और सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हम दोनों पीस को कर लिए हैं और इसे एक के ऊपर एक रखते हुए सिलाई लगा देंगे। इस तरह से रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे और इसे हम बीच में इस तरह से अटैच कर लेंगे। इस तरह से रखते हुए हम अटैच कर लेंगे इसे। तो देखिए, हमने इस तरह से रखते हुए अटैच कर लिए हैं और अब हम दोनों तरफ नीचे प्लेट डाल लेंगे। इस तरह से देखिए, हमने दोनों तरफ नीचे प्लेट डाल लिया है और यहाँ पर हम लैस लिए हैं और इसे हम पूरे गले पर लगा लेंगे। इस तरह से देखिए, हम पूरे गले पर लगा लेंगे।
तो देखिए हमने इस तरह से रखते हुए पूरे गले पर इसे लगा लिए हैं। और यहाँ पर हम एक इंच का पट्टी लिए हैं और इसे नीचे रखते हुए सिलाई कर दिए हैं। और इसे देखिए इस तरह से मोड़ते हुए हम पाइपिंग बना लेंगे। तो देखिए हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पसंद आने पर लाइक ज़रूर करिएगा।